खोआ बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ ये तीन चीज़ें, और सिर्फ इतनी ही मात्रा में, 1 कप, आधा कप, 2 चम्मच। अब क्या है ये तीन चीज़ें, चलिए आप रेसिपी में आगे तक बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, आप इसे स्किप मत करिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम सामान में है और बहुत ही अच्छा आपका खोआ बन के रेडी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदनी किचन। नंदनी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स खोआ, वो भी मार्केट जैसा, बिल्कुल घर में शुद्ध और फ्रेश ताज़ा खोआ। हम जब भी हमें कोई मिठाई बनानी पड़ती है, फेस्टिवल आते हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि खोआ कहाँ से लाएं, प्योर खोआ हमें कहाँ मिलेगा। तो भाई, प्योर खोआ हमें हमारे घर में मिलेगा, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में इस तरीके से प्योर खोआ बनाकर रेडी करिए। इसलिए आज मैं ये खोए की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आप घर में आसानी से सिर्फ आधे कप दूध से, मात्र आधा कप दूध हमें लगा है, ये 2/3 कप है। इससे मैंने, देख सकते हैं आप यहाँ पे, दूध खा लिए मैंने सिर्फ करीब, ये 1 टेबल स्पून भर के 1/2 कप दूध है, जिससे ये 1 कटोरी भर कर खोआ बन के हमारा रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जितने चाहें उतनी आप कटोरियाँ खोए की तैयार कर सकते हैं। वजन में आप इसे देखेंगे तो ये करीब 150 से 200 ग्राम के करीब अप्रॉक्स है। नहीं आपको ढेर सारा मार्केट से दूध खरीद के लाने की जरूरत है, घंटों गैस के सामने बैठ के आपको दूध को चलाते रहिए, उसको जलाइए, फिर खोआ तैयार करिए, तो अब वो सारा झंझट खत्म। आप घंटों का काम अभी मिनटों में कर सकते हैं, 2 मिनट में आप ये खोआ बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खास ट्रिक से मैंने इसे बनाया, तो आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हम पैन चढ़ा लेंगे और उसमें जो हमने लिया था ये 2 चम्मच घी, देसी घी, हल्का सा ही गर्म हुआ है, बस इसी स्टेज पे हम डाल देंगे दूध। ये मैंने दूध लिया है 1/2 कप, ये 2/3 कप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा खाली लिया, आप देख सकते हैं, तो आपको 1/2 कप दूध लेना है। आप कोई भी 1 कटोरी का माप ले लीजिए, जिससे 1 कटोरी जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वो 1/2 कटोरी दूध और 2 चम्मच घी। दूध को डालने के बाद हमें हल्का सा चलाना है और हल्का सा इसमें 1 उबाल आने देना है। 1 उबाल आते ही फिर इसके आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। अभी दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम मीडियम लो कर लेंगे। और जो तीसरी चीज हमें इसमें ऐड करनी है वो है मिल्क पाउडर, वो भी पूरे 1 कप। 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप दूध और 2 चम्मच देसी घी। अभी मिल्क पाउडर को हमें थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए, हिलाते हुए ऐड करना है इसमें, बिल्कुल एक साथ मत डालिएगा वरना लम्स पड़ जाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्स ना पड़े। धीरे धीरे करते हुए मैंने सारा मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लिया, अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से सूखा होके कलेक्ट होना शुरू हो गया है। बहुत ही बढ़िया खोआ बनके हमारा रेडी हो गया है, इसका कलर, टेक्सचर सब बहुत अच्छा है, बिल्कुल बाजार से भी अच्छा है, क्योंकि मार्केट में आप सभी को पता है कितना मिलावट वाला खोआ मिलता है, कोई अरारोट डाल देता है या मैदा डालता है या फिर कोई केमिकल का प्रयोग करता है। तो अब आपको जब भी मिठाइयाँ बनानी हो, आपको बाजार से खोआ लाने की जरूरत नहीं है, बस घर में इस तरीके से खोआ बनाकर रेडी करिए। और अभी खोआ हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है और ये देखिए आप, ये कितना बढ़िया इसका कलर भी है। अभी गैस को हम इस स्टेज पे बंद कर देंगे, क्योंकि खोआ बहुत ही अच्छे से भून चुका है और ये देखिए ये बिल्कुल एक साथ कलेक्ट होना शुरू हो गया। गैस बंद करके इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। घर में दूध से खोआ कैसे बनाएं, उसकी रेसिपी मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं, ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, खोआ मैंने कटोरी में निकाल कर रख लिया है, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इसका कलर, टेक्स्चर सब है, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ दूध का खोआ है या मिल्क पाउडर से बना है, इसे हमने घर में बनाया है। तो अब आपको जब भी मिठाइयाँ बनानी हो, आप इस तरीके से घर में बिल्कुल शुद्ध प्योर खोआ बनाइए और अपनी मिठाई रेडी कर लीजिए। आप इससे आसानी से गुलाब जामुन, बर्फी, खोआ, पेड़ा, जो भी आप बनाना चाहते हैं, खोए की कोई भी आप स्वीट डिश बनाना चाहते हैं, इससे बना सकते हैं, बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट से जो हम सिर्फ दूध का खोआ लाएंगे सिर्फ उसी से मिठाइयाँ बनेंगी, नहीं, ये भी आपका खोआ बिल्कुल उसके बराबर है, आप इससे हर मिठाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इस होली आप पीछे क्यों रहेंगे, आप घर पे भी अपनी ढेर सारे खोए की मिठाइयाँ बनाइए और वो भी शुद्ध और फ्रेश खोए से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।